स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? देखो, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा आपसे करने जा रहा हूं जिसका संबंध भू आकृति विज्ञान अर्थात जियोमॉर्फोलॉजी तथा भू विज्ञान अर्थात जियोलॉजी से है, जिसका शीर्षक है मेंटल फ्लू। ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, आईएएस, आरएएस या अदर स्टेट पीएससी, जैसे पीसीएस हम कहते हैं, नेट, जेआरएफ, स्कूल कॉलेज लेक्चरर की तैयारी आप कर रहे हो या अदर एग्जामिनेशन है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना है भी और आगे भी रहेगी। वर्तमान में जैसे मान लो नेट जेआरएफ देखें, स्कूल कॉलेज लेक्चरर देखें, तो वहां पर जो परीक्षा का स्वभाव है, जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यू जिसे कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न, तो उस प्रकार के भी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। इसके साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा, जिसको आप सामान्यतः आईएएस, आईएफएस के नाम से जानते हैं, या अदर जो स्टेट पीएससी लेती हैं, आरएएस, पीसीएस, जिसके नाम कई नाम दिए जाते हैं, लेकिन स्टेट पीएससी के द्वारा यानी स्टेट सर्विस कमीशन के द्वारा जो आयोजित करने वाली की जाने वाली परीक्षाएँ हैं, तो उसमें भी जो प्रथम चरण की परीक्षा होती है, आप बखूबी जानते हैं कि वहाँ भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं, तो वहां भी ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती है, वहां पर मैक्सिमम 200 शब्द में क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ता है, जो रिटन टाइप है। कई स्टेट पीएससी में ये 50 वर्ड में या 100 वर्ड्स में भी देने पड़ते हैं क्वेश्चन के आंसर, तो उसके लिए भी उपयुक्त है। और चूंकि उपयुक्त इसलिए है, ये चर्चा में है, लेकिन इस चर्चा पर जहां तक मेरा मानना है कि जब इसका इस समय वैज्ञानिकों ने चर्चा की, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, एक रिसेसिव फैक्टर हो गया, हिडन फैक्टर हो गया। क्योंकि वर्तमान में देखा जाए, जो वर्ल्ड सिनेरियो चल रहा है, जो विश्व में घटनाक्रम चल रहा है, तो कुछ ऐसी परिघटनाएं विश्व के पटल पर हो रही है कि ऐसी वैज्ञानिक घटनाएं क्या हो गई, छुप गई, दब गई। और दूसरी ओर जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी कंपटीशन के उनके पास सूचनाएं भी नहीं पहुंच पा रही हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स जिस मात्रा में आपको मिलती थी, वो नहीं मिल पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो परिघटना है, जो वैज्ञानिक ये घटना है जो भूगर्भ में संपादित हो रही, इस पर जो नया रिसर्च आया, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने दिया, कुछ नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने इस पर अपने मत प्रस्तुत किए हैं, तो जो पूर्व में मत दिए गए उनसे कुछ उन्होंने उसको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, और अपनी जो प्राकृतिक परिघटना हो रही है, चलो प्राकृतिक परिघटना में जो हम नेचुरल एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है वो तो सत्य है, लेकिन वास्तव में कंट्रोलर कौन है, तो वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। और प्लेट टेक्टोनिक्स के अंतर्गत क्या हो रहा है कि जो ये भूपटल आप देख रहे हो, जिसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, विखंडित अवस्था में है, जिसको प्लेट कहते हैं। और ये प्लेट जो सेकेंड पार्ट इसका दिख रहा है, एस्थनोस्फेरिक पार्ट, जो मेंटल का ऊपरी भाग है, अर्ध तरल अवस्था में, यहां से संवहनी तरंगों का उत्सर्जन हो रहा है, ये संवहनी तरंगे यानी कॉन्वेक्शनल करंट कहीं अभिमुखी संचरण कर रही है, कहने का मतलब कन्वर्जेंट मोशन कर रही है, तो कहीं डाइवर्जेंट, कहीं अपसरित हो रहे हैं, तो उसके प्रभाव में आकर ये विखंडित भाग इधर उधर गति कर रहा है सदियों से, जिसके कारण महाद्वीप, महासागर की उत्पत्ति हुई,
महाद्वीप महासागर के आकार स्वरूप प्रकृति बदल रही है, और चूंकि ये घटनाएं हो रही है तो असीमित मात्रा में यहां से भूगर्भिक ऊर्जा निकल रही है। इस भूगर्भिक ऊर्जा की अभिव्यक्ति पृथ्वी आप भली भांति से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान ले कि पृथ्वी अपनी आंतरिक ऊर्जा की अभिव्यक्ति यानी उसको कैसे डिफाइन कर रही है, बाय मीन्स ऑफ वोल्केनिसिटी एंड सिस्मिक एक्टिविटी। किसके द्वारा कर रही है? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा तथा भूकंपीय क्रिया के द्वारा लगातार कर रही है। तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत जो कुछ दिया गया उसको अनेक वैज्ञानिकों ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। और जो प्राकृतिक परिस्थिति हमारी है कि जो महाद्वीप और महासागर यहां स्थित हैं, जैसे आप देख रहे हो कि ये महाद्वीप और ये महासागर हैं, ये न तो स्थिर है न तो स्थाई है, ये लगातार क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, इसमें संचरण हो रहा है। तो संचरण के लिए प्लेट टेक्टोनिक्स तथा उससे संबंधित प्रक्रियाएं उत्तरदायी हैं। अभी यहां पर आप देखें, किसी क्लास में इसको डिटेल में लूंगा, यहां पर जो दक्षिणी पैसिफिक ओशन है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा पूर्व में मान ले और न्यूजीलैंड को लेते हुए एक नए महाद्वीप का उदय हो रहा है, स्वागत करने के लिए तैयार हो जाए, जियालैंडिया नया महाद्वीप आ रहा है, तो वह भी प्लेट टेक्टोनिक का ही क्या है, एक प्रभाव है। तो इन पर चर्चा हुई, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत में जो ये प्रमुख भूगर्भिक प्रक्रिया है मेंटल प्लूम का, इस पर चर्चा नहीं की गई। और चूंकि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से जुड़े हुए विद्वान, महान विद्वान थे जेटी विल्सन साहब, जो कनाडा के महान भूभौतिक शास्त्री थे जिन्होंने प्लेट का नामकरण भी किया, उन्होंने 1963 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। बाद में जो मॉर्गन साहब थे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से जुड़े हुए, यह भी एक महान भूभौतिक शास्त्री थे, इन्होंने 1971 में इसका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन उसके बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ। तो मार्च अप्रैल 2020 में ऐसे कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर चर्चा की तो ये चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण और अन्य परिस्थितियों के कारण जो भारत से संबंधित है, एक तो पूरा का पूरा क्या है, ग्लोबल प्रस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, हम भी परेशान हैं, लेकिन जो हमारी सीमाओं पर परिघटनाएं हुई उन घटनाओं को ही हम क्या करते रहे, न्यूज पेपर में पढ़ते रहे। तो ये जो वैज्ञानिक परिघटना है, वैज्ञानिकों ने या भूभौतिक शास्त्रियों ने, जियोलॉजिस्टों ने जो प्रस्तुत किया, ये जो फैक्ट है छुपा रहा। तो मूलतः अगर मान लिया जाए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जो IAS IFS की परीक्षा को आयोजित कर रहा है, उसकी नजर रहती है। हालांकि पैंडेमिक के कारण यह भी परीक्षा शिफ्ट हुई, बहुत सी परीक्षाओं के तो होने का आसार नहीं है, लेकिन यह है कि संघ लोक सेवा आयोग आपकी परीक्षा लेगा, तो वहां पर भी इस प्रश्न को आप क्या कर सकते हो, इससे संबंधित प्रश्न को आप, हो सकता है कि आप पाए, ये कोई गारंटी नहीं दिया जाता, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और दूसरे में रिटन टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, तो जैसे संघ लोक सेवा आयोग है वहां मैक्सिमम 200 शब्द आपको लिखने होते हैं, बहुत से PSC जैसा करते हैं स्टेट PSC, और जैसे राजस्थान PSC है तो यहाँ 100 वर्ड में लिखना होता है। तो हो सकता है कि जब भी भविष्य में आपकी मुख्य परीक्षा हो, प्रारंभिक परीक्षा हो, तो जो भी क्वेश्चन का प्रारूप है, इस तरह के प्रश्न आपके पास इससे संबंधित आ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि मेंटल प्लूम है क्या। तो देखो, ये अर्थ जो है यानी पृथ्वी, एक तंत्र है, एक सिस्टम है, और प्रत्येक सिस्टम तत्वों से बने होते हैं, तत्वों से कंपाउंड्स बनते हैं, मिनरल्स बनते हैं, उनके कंपोजिशन से, उनके संगठन से वो क्या बनता है, तंत्र बनता है। ब्रह्मांड से लेकर हमारी शरीर तक, या ब्रह्मांड से लेकर परमाणु तक, एक अपने आप में एक विशिष्ट तंत्र है, सिस्टम है,
और जब सिस्टम बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। और एक फैक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वत्रिक सत्य है, ब्रह्मांड में जो भी तत्व आप देख रहे हो, जो भी पहलू देख रहे हो, तत्व को हटाओ पहलू देखो, चाहे वो पहलू भौतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, उसमें दो ही स्वरूप दिखता है, एक को हम महसूस करते हैं, दूसरे को देखते हैं। अगर भौतिकता की बात करो तो हम आ जाएंगे कि यहां पर सिर्फ पदार्थ और ऊर्जा का खेल है, और मौलिक रूप से तो एनर्जी ही है। जब एनर्जी स्वरूप प्राप्त करती है तो पदार्थ बनता है, और पदार्थ जब स्वरूप खो देता है तो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तंत्र है, तंत्र पदार्थ से बना है, पदार्थ तत्वों से बना है, तो इसमें भी निश्चय ही क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। और ऊर्जा की अभिव्यक्ति या उष्मा की अभिव्यक्ति हम किसके माध्यम से करते हैं, उष्मा की माप को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, क्या बोलते हैं, तापमान। तो यहां भी क्या है, तापमान है, लेकिन हर तंत्र की तरह, हर सिस्टम की तरह यहां भी तापमान में क्या है, प्रवणता है, डिफ्रेंसिएशन है, यहां पर वेरिएशन है। तो जो रेड कलर का इनर कोर आप देख रहे हो, इनर कोर, इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो येलो कलर आप देख रहे हो, येलो कलर क्या है, आउटर कोर, ये लगभग 4300 डिग्री सेंटीग्रेड यहां तापमान है, 4300 डिग्री सेंटीग्रेड। और जहां ये प्लूम का वेस्ट दिख रहा है, यहां पर लगभग 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से क्रमशः तापमान क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। यहां पर जो दुर्बलता मंडल आप देख रहे हो, ये इसका तापमान 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हमारे सतह का जो ग्रीन कलर आप देख रहे हो, लिथोस्फेरिक पार्ट, इसकी सतह का यानी पृथ्वी के सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है। तो क्रमशः सबसे तापमान यहां ज्यादा हुआ, कम ज्यादा कम, इस तरह से कहने का मतलब कोर से, आंतरिक कोर से सतह की ओर लगातार तापमान में कमी हो रही है। दूसरी शब्द में हम क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड, कि ऊपर से नीचे जाने पर तापमान बढ़ रहा है। तो जहां तापमान ज्यादा है वहां से तापमान क्या होगा, तापमान प्रवणता के कारण या डिफ्रेंसिएशन के कारण तापमान का उत्सर्जन होगा। तो तापमान उष्मा के रूप में क्या हो रहा, उत्सर्जित हो रहा है। तो यहां से भी उत्सर्जन हो रहा है, और पृथ्वी लगातार इस उष्मा का उत्सर्जन जो कर रही है, पृथ्वी लगातार जो उष्मा का उत्सर्जन कर रही है, भू सतह पर उसकी अभिव्यक्ति पहले भी बताया, उसको कैसे डिफाइन कर रही है, कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, तो ज्वालामुखी क्रिया और भूकंपी क्रिया के कारण। अब वैज्ञानिकों ने बताया, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जिन वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया, तो वहां एक सेंटेंस आया, जब हैरी हैस साहब, मॉर्गन साहब, आलविस साहब, मूर्सवाइन, जेटी विल्सन साहब, लीपाई कून साहब, सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत अपने आप में एक यूनिवर्सल थियरी है। तो वहां एक सेंटेंस कोड किया गया कि ज्वालामुखी और भूकंप के मध्य एक निश्चित अंतर संबंध है, डेफिनेट रिलेशन बिटवीन अर्थक्वेक एंड वल्केनो। अर्थात जहां ज्वालामुखी क्रिया होगी वहां भूकंप आएंगे। लेकिन इन विद्वानों ने पाया क्या कि यहां पर देखो, ये पैसिफिक प्लेट है, ये क्या है, प्रशांत प्लेट है जो आप देख रहे हो, ये प्रशांत क्या है, पैसिफिक ओशन है। ये प्रशांत महासागर है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है, और इसमें इसके चारों तरफ आपने पढ़ा भी होगा, नहीं तो थोड़ी सी हम बात कर दें, इसके चारों तरफ ये जो प्लेट मार्जिन है, ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, जिसको हम क्या कहते हैं, सरकम पेसिफिक बेल्ट। ये प्लेट, ये प्लेट,
अने प्रशांत प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट और इधर से प्रशांत प्लेट में लगातार क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, टक्कर हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो सरकम पेसिफिक बेल्ट है, परिप्रशांत मेखला है, भूकंपी और ज्वालामुखी दृष्टि से क्या है, अति संवेदनशील है और यहां से अत्यधिक मात्रा में एनर्जी निकल रही है। अगर भूवैज्ञानिकों की मानो तो विश्व के दो तिहाई ज्वालामुखी क्रिया यही अंकित होती है और लगभग 60-65% भूकंपीय गतिविधियां इसी मेखला में अंकित होती है, यानी होती है। तो यहां पर ये जो प्लेट है टकरा रही है, लेकिन इसका मतलब कि जब ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट, इसी प्लेट का ये भाग, जैसे प्रशांत प्लेट इधर भी जा रही, इधर जा रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रशांत प्लेट के मध्य में कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा, अंतः अपसरण हो रहा है। अंतः अपसरण हो रहा है मीन्स इंट्रा प्लेट मूवमेंट हो रहा है। तो इस इंट्रा प्लेट मूवमेंट के कारण अत्यधिक मात्रा में मैग्मा का उत्सर्जन हो रहा है और उस मैग्मा के डिपोजिशन के कारण, सेडिमेंटेशन के कारण अनेक प्रकार के कटकीय द्वीपों का निर्माण हो रहा है और हुआ भी है। जैसे यहां हवाई कटक और इधर पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया द्वीप। लेकिन यहां पर जो वोल्केनिसिटी यानी ज्वालामुखी क्रिया हो रही है, तो कुछ क्षेत्रों में तो भूकंपीय गतिविधियां होती हैं, लेकिन जो ये हवाई कटक है, अपना जो ये हवाई कटक है, हवाई द्वीप है, यहां पर लगातार ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही है। हवाई द्वीप लगभग 20-22 द्वीपों का समूह है, लेकिन यहां ज्वालामुखी क्रिया होने के बावजूद आज तक भूकंपीय गतिविधियां अंकित नहीं की गई हैं, अर्थात सिस्मिक एक्टिविटी को यहां रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो क्या कारण है? इस प्रक्रिया को समझते हुए जेटी विल्सन ने क्या किया, मेंटल प्लूम थियरी का प्रतिपादन 1963 में किया, लेकिन इस सिद्धांत पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। अब 2020 में कुछ वैज्ञानिकों ने चर्चा की तो ये एक चर्चा का विषय बन चुका है। अब देखो यहां क्या किया गया कि कई ज्वालामुखी हैं, यहां पर अगर हम ले लेते हैं तो कई ज्वालामुखी है। कुछ ज्वालामुखियों का नाम मैं यहां आपको नोट कर देता हूं। ये है मौनाकिया, या इसको ऐसे लिखते हैं मौनाकी। ये काफी विस्तृत ज्वालामुखी है। अगर इसकी ऊंचाई हम सागर के नितल से लें, यानी एट द फ्लोर ऑफ सी, सी के फ्लोर से लें, तो एवरेस्ट से भी ऊंचा हो जाएगा। लेकिन हम ऊंचाई कहां से लेते हैं, सी लेवल से। इसके बाद किलाविया, और एक है मोनोलोवा। तो ये प्रमुख ज्वालामुखी है, लेकिन ज्वालामुखियों के उद्गार के बावजूद भी यहां पर भूकंपीय गतिविधियां अंकित नहीं की जा रही हैं। तो इसको दृष्टगत करते हुए या इसको देखते हुए फिर इस सिद्धांत का क्या किया गया, प्रतिपादन किया गया, और जैसा कि बताया कि वर्तमान में ये चर्चा में आ गया, तो इस पर चर्चा क्या है, स्वाभाविक है। तो इन फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे, मौनाकी, किलाविया, मोनोलोवा, हवाई द्वीप कटक जो है उसके ज्वालामुखी हैं, और ये अमेरिका का एक क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। इसकी राजधानी होनोलुलु है, काफी सुंदर मानी जाती है, कहा जाता है विश्व का एक, कहा जाए कि सबसे सुंदर स्थान भी है। खैर, अब देखो मेंटल प्लूम है क्या। तो यहां तापमान अंतर के कारण वास्तव में होता क्या है,
कि तापमान प्रवणता के कारण पृथ्वी के अंदर यानी भूगर्भिक भाग में 2900 किलोमीटर की गहराई पर, यह गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर की गहराई है, यहां पर जो ये स्थिति है 2900 किलोमीटर की गहराई पर, जहां पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपने देखा होगा गुटेनबर्ग विचार डिसकंटिन्यूटी है, गुटेनबर्ग विचार असंबद्धता है, एक तरह से असंबद्धता मिलन बिंदु किसका, लोअर मेंटल तथा आउटर कोर का। तो यहां पर कुछ विशेष भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है, फिजिकल केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके कारण यहां की चट्टाने पिघल जाती हैं, अत्यधिक गर्म हो गई। पिघली हुई चट्टान का स्वरूप ये आ जाता है जहां से प्लूम का क्या होती है, उत्पत्ति होती, जिसको कहा जाता है बेस ऑफ प्लूम। तो लिखते समय ध्यान में रखें या इस तरह से भी फैक्ट को कि कहां पर 2900 किलोमीटर की गहराई पर तापमान की विभिन्नता के कारण, जहां तापमान बहुत अधिक है या 4300 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर यहां पर 3700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आता है, तो यहां पर विशिष्ट भौतिक रासायनिक क्रिया होती है, स्पेसिफिक फिजिको केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके कारण यहां की जो चट्टान है पिघल जाती है, और पिघली हुई चट्टान समूहनी तरंगों के माध्यम से, किसके माध्यम से, समूहनी तरंगों के माध्यम से, कॉन्वेक्शनल करंट के माध्यम से, ये क्या होती है, ऊपर की तरफ चलती है ऐसे। और यहां से जो मैग्मेटिक पार्ट है, जो पिघली हुई चट्टान का भाग है, पिचकारी के समान या जेट के समान यहां से क्या होता है, निकलता है और पुनः जाकर मेंटल के ऊपरी भाग पर जो स्थानिक स्पेरिक पार्ट है उसके आसपास मशरूम जैसी आकृति ले लेता है। कैसी, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर, जो मशरूम फंगस होता है या एक तरह से छत्रक की जैसी संरचना प्राप्त कर लेता है जिस संरचना को। तो जो ये संरचना बनी मशरूम लाइक स्ट्रक्चर, तो उसकी जो पूरी रेड हॉट, कहने का मतलब जो गर्म शैल है, गर्म तप्त शैल है, उसको नाम दिया गया डायपर। क्या नाम दिया गया, डायपर। अब ये जब ऊपर आ जाता है तो ये जब छत्रक की जैसा या मशरूम की जैसी संरचना निर्मित कर लिया तो इसको कहा गया हेड ऑफ प्लूम। प्लूम का क्या हो गया, सिर। ये क्या हो गया, बेस ऑफ प्लूम, प्लूम का आधार, और ये क्या हो गया, इसका सिर। अब यहां से फिर पिचकारी के समान ये मैग्मा क्या करेगा, बाहर निकलेगा। लेकिन जब पिचकारी के समान निकलेगा तो यहां ध्यान रखना, पिचकारी से जब लिक्विड निकलता है तो उसमें उतना ज्यादा प्रेशर, कहने का मतलब संतुलित होकर निकलता है तो कंपन नहीं होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आप होली के अंदर जब फेस्टिवल आता है तो पिचकारी में क्या करते हो, पिचकारी एक सिस्टम हो गया, एक यंत्र हो गया या इक्विपमेंट हो गया, जो भी मानते हो, तो उसमें आपने क्या किया, रंग या पानी को खींचा और फिर उसको प्रेशर डाला और निकल गया, तो आप कंपन महसूस करते हो, नहीं। लेकिन अगर एक आप बुलेट चलाते हो, कहने बंदूक है या पिस्टल है, उससे जब बुलेट निकलती है तो कंपन होता है, आपको पीछे क्या करती है, ठेल देती है। तो कुछ ऐसी पिचकारी या जेट जैसी परिस्थिति यहां पर विकसित हो गई, और समय समय पर जेट लाइक या पिचकारी की तरह यहां से मैग्मा क्या होता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जब बाहर निकल जाता है तो वहां पर ज्वालामुखी क्रिया संपादित होती है। तो हवाई कटक में ठीक यही हुआ, हवाई कटक में यही हो रहा है कि जो मैग्मा का चेंबर है जहां, तो वास्तव में मेंटल प्लूम है, और ये जो मैग्मा आ रहा है कहां से आ रहा है, एट द बेस ऑफ आउटर कोर, आउटर कोर के आधार से यहां से आ रहा है, या बेस ऑफ लोअर मेंटल, या ऐसे कह सकते हो एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ आउटर कोर एंड लोअर मेंटल।
बाहरी कोर तथा निचले मेंटल के संगम पर जो डिसकंटिन्यूटी है, जिसका नाम क्या बताया, गुटेनबर्ग विचार असंभवता, वहां से ये निकल रहा है। और जैसे प्रेशर बनता है समय समय पर पिचकारी नुमा इसमें से मैग्मा निकलता है, और इस पूरी संरचना को नाम किया दिया गया मेंटल प्लूम। और जो रेड हॉट, कहने का मतलब जो हॉट रॉक है, गर्म चट्टान है, उसको नाम किया दिया गया डाइपर। क्या नाम दे दिया गया? डाइपर। अब इस पूरी संकल्पना को उन्हीं विद्वानों ने नाम दिया हॉट स्पॉट। बताया गया कि ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप पर उत्पन्न हो रहे हैं, उनका संबंध किससे है? हॉट स्पॉट से। गर्म स्थल संकल्पना भी इसको कहते हैं, हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट से है, जहां से समय समय से क्या निकलती है, उष्मा या ऊर्जा निकलती है। लेकिन उष्मा या ऊर्जा का आधार क्या है? मैग्मा। और इस प्रक्रिया के कारण जब यहां पर हवाई कटंग में प्रक्रिया होती है, ज्वालामुखी आ रहे हैं, ज्वालामुखी जब आ रहे हैं तो यहां कंपन नहीं होता है। ये पूरी की पूरी एक श्रृंखला चली गई है, कहां से? हवाई कटक से लेकर क्यूरील आइलैंड या एलुसियन तक चली जाती है, जहां पर ये कंपन अभी तक आया नहीं है। यानी ज्वालामुखी क्रिया तो संपादित होती है, लेकिन भूकंपी क्रिया संपादित अभी तक नहीं हुई है। उन विद्वानों ने, जिन विद्वानों ने अभी 2020 में बोला, कहा कि ये डेफिनेट नहीं है कि जहां हॉट स्पॉट बन रहे हैं, मेंटल प्ल्यूम बन रहा है, मेंटल प्ल्यूम के कारण वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, कोई ये डेफिनेट नहीं है कि अब निकट भविष्य में वहां भूकंपी गतिविधियां नहीं होगी। हो सकती हैं, क्योंकि भूगर्भ में जो कुछ प्रक्रियाएं हो रही हैं उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तनशीलता है, इसलिए इस सिद्धांत को फिर से रीडिफाइन करने की जरूरत है। यही कारण है कि मेंटल प्ल्यूम कॉन्सेप्ट फिर चर्चा में आ चुका है। इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसकी संरचना क्या है, ये अच्छी तरह से समझकर आप, मैं आशा करता हूं कि आप लिख भी लोगे, 100-200 शब्द में आप इसको नोट भी कर लेंगे, और जो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन होगा उसको आप हल भी कर लेंगे। तो ये तो हमने जो डायग्राम बनाया, ये अब मेंटल प्ल्यूम सिद्धांत किसने दिया, तो पहले भी चर्चा कर दिया आपसे, जेटी विल्सन ने 1961 में, और मॉर्गन साहब ने 1971 में क्या किया, इसकी विवेचना कर दी। वास्तव में ये कैसे दिखते हैं, तो जो हमारे पास ये डायग्राम है, देखो इस तरह से दिखेंगे। जो डायग्राम बनाया उनका एक व्यू है, ये इनर कोर आउटर कोर, यहां से निकला मेंटल प्ल्यूम और ये निकल रहा है, यहाँ पिचकारी के समान या जेट के समान यहाँ से मैग्मा क्या है, निकल रहा है। यह भी एक संरचना है मशरूम लाइक, यह भी है, इस तरह से भी निकल रहा है, अपर मेंटल में ये गया और यहां से निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस टॉपिक को मैं आशा करता हूं कि अच्छी तरह से आप कर लेंगे। ओके, थैंक यू।